हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये जो आप देख सकते हैं ये एम्ब्रॉयडरी वाली ब्लाउज़ है, इस पर मैं आपको ब्लाउज़ बना के दिखाऊंगी। सो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। ये मेरा ब्लाउज़ का पीस है, आप देख सकते हैं इस पर ऑलरेडी एम्ब्रॉयडरी हो रखी है, नेक भी बना हुआ है, आप देखिए इसको। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। अगर आप चाहें तो इसे फ्रंट में या फिर बैक में भी रख सकते हैं, इसे मैं बैक साइड पर रखूँगी। इस पर आप देखिए काफ़ी हैवी वर्क हुआ है, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये देखिए आप, ये साइड में बॉर्डर दे रखा है जिसे मैं स्लीव पे लगाऊंगी। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। आप चाहें तो इसे लाइनिंग पे पहले कट करें, लेकिन ये इसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी है तो मैं सबसे पहले इसी फैब्रिक पर ही कट करूँगी। तो इसको बीच में से मैं फोल्ड कर लेती हूँ। आप एम्ब्रॉयडरी को एम्ब्रॉयडरी से मिला के रखिएगा। जो आप देख सकते हैं ये फ्रंट और नीचे बैक जो हमारे अंदर का पार्ट है वो मिला के रखना है अच्छे से। ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसे एक के ऊपर एक अच्छे से मिला के रखना है। अगर मिला के रखेंगे तभी अच्छी सी कटिंग हो पाएगी, वरना ये सही से नहीं कटेगा, इधर उधर हो जाएगी। तो ये मैंने बीच में से फोल्ड कर लिया। आप चाहें तो इस पर आयरन भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसके शोल्डर की मार्किंग करूँगी। तो मैंने 5.5 इंचज़ लिए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग इसकी 6 इंचज़ तक रख सकते हैं। तो ये मैंने 5.5 इंच में निशान लगा दिया है। आर्म होल में 6.5 इंचज़ रख रही हूँ, तो ये निशान मैंने लगा दिया है। अब मैं बर्स लाइन की मार्किंग करूँगी। तो आपकी जो भी हो अपने अकॉर्डिंग करें। चेस्ट का 4+2 इंचज़ रखने हैं सीमिंग अलाउंस, तो आपका जो भी हो अपने अकॉर्डिंग करें। ये मैंने निशान लगा दिया है। इसके बाद मैं वेस्ट लाइन की मार्किंग करूँगी, तो चेस्ट का 4+2 इंचज़ इसमें भी रहेंगे, तो आपका जो भी हो अपने अकॉर्डिंग करें। ये पूरे पॉइंट्स को मिला के मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं ये मैंने कर दिया है। 1 इंच का निशान लगाया मैंने गुलाई का शेप देने के लिए। तो ये मैं सारे शेप्स को मिला देती हूँ, क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है इसलिए 1 इंच का मैंने दिया हुआ है। नेक हमारी ऑलरेडी बनी हुई है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ नीचे हम 1/2 इंच का गैप छोड़ेंगे। तो मैंने 1/2 इंच ही छोड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैंने ब्लाउज़ की फुल लेंथ 14 इंचज़ रखी है, जो कि बनके तैयार होगी मेरी 3.5 इंचज़ हो जाएंगी। तो अब मैं इसके डार्ट में क्रिएट करूँगी। तो 3.5 इंचज़ पर मैंने निशान लगाया हुआ है। नीचे से ऊपर 4 इंचज़ लूँगी, तो ये मैंने निशान ड्रॉ कर लिया है। ये ब्लाउज़ की लेंथ 14 इंचज़ है, आप अपने अकॉर्डिंग छोटी बड़ी कर सकते हैं ब्लाउज़ की लंबाई। इसमें ऑलरेडी डिज़ाइन बनी हुई है इसलिए मैं इसकी 14 इंचज़ रख रही हूँ, जो कि 13.5 इंच बन के तैयार हो जाएगी मेरी। यहाँ से मैं 1/2 इंच डाउन निशान लगा लूँगी। ये ओवरऑल मार्किंग हो चुकी है मेरी बैक पार्ट की, इसे मैं अब कटिंग करके अलग कर दूँगी। तो मैं इसे पहले कट करके अलग कर लेती हूँ। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद हम इसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसको भी मैंने बीच में से फोल्ड करके रखा हुआ, इसमें भी ऑलरेडी डिज़ाइन बनी हुई है नेक पर, तो इसको मैं बाद में आपको बताऊँगी। ये मैंने इसकी मैंने लिया है 5.5 इंचज़ लिए हैं मैंने शोल्डर की लेंथ, और आर्म होल 6 इंचज़ लिए हैं मैंने इसमें। अब मैं इसके बर्स लाइन की मार्किंग करूँगी। तो चेस्ट का 4+2 इंचज़ लेने हैं, जैसे हमने बैक में किया हुआ था वैसे ही हमें फ्रंट की भी मार्किंग करनी है। वेस्ट लाइन की मार्किंग भी सेम वैसे ही होगी जैसे हमने बैक की करी थी। तो इसकी भी मार्किंग मैंने मार्किंग कर लिया, आप देख सकते हैं। ये सारी लाइन्स को लाइन बना लूँगी मैं इनको। आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1/2 इंच निशान लगाया है, क्योंकि ये फ्रंट का है इसलिए हम इसको इसकी गुलाई का अंदर से शेप देंगे। यहाँ से मैं 2.5 इंचज़ में निशान लगाऊंगी, और जो बचेगा वो हमारा नेक बनेगा उससे। इसमें भी नेक ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। ऊपर से मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है। नीचे से मैं ऊपर 4 इंचज़ पर निशान लगा रही हूँ। ये निशान लगा दिया है मैंने, जो हमारे बीच की गैपिंग रहेगी इन डार्ट की वो 0.75 रहेगी दोनों साइड पे। तो आप लगा लीजिए निशान। इस ब्लाउज़ पे टोटल मैंने 4 डार्ट्स डाली हुई हैं। तो ये मैंने डार्ट डाल दिया है। इसका मेथड मैं आपको पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ डार्ट डालने का। तो ये मैं इसको अपने सेकेंड पीस पर लाने के लिए इसको बीच में से मैंने फ़ोल्ड किया है। ऐसे कर दूँगी मैं, फिर इसे निशान मिल जाएंगे दोनों साइड पर। इन सारे निशान को मैं डार्क कर लूँगी ताकि ये मुझे दिखाई दे और आप भी देख सकें इसे। तो ये मेरे निशान मैंने डार्क कर लिए, आप देख सकते हैं। इसे मैं बीच में आई हुक लगाने वाली हूँ, तो इसको बीच में से मैं कट करके अलग कर देती हूँ इन पीसेस को।
ये मेरा फ्रंट का पार्ट है जो ओपन रहेगा, ये कट कर लिया है मैंने। आपको ये फ्रंट साइड से दिखाती हूँ कि देखिए, अब ये नेकलेस टाइप का बन के आएगा जो कि स्टिच होने के बाद ही बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इन पीसेस को लाइनिंग पे कट करूँगी, तो मैं सारे पीसेस को लाइनिंग के ऊपर अच्छे से बिछा लेती हूँ। फिर बिछाने के बाद इसे पिनअप करूँगी मैं। ये पिनअप कर लिया मैंने, सारे पीसेस को पिनअप कर लिया मैंने, आप देख सकते हैं। इसे पिनअप करने के बाद इसकी मैं कटिंग करूँगी, तो मैं सारे पीसेस की कटिंग भी कर लेती हूँ साथ में ही। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद अब मैं इसे स्टिच कर लूँगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बता रखा है कि कैसे मैं इसे स्टिच करके फिर टर्न करती हूँ, तो सारे पीसेस को मैं पहले स्टिच करूँगी। सारे पीसेस की स्टिचिंग के बाद इसे मैं राइट साइड टर्न करके आयरन कर दूंगी। ये मैंने सब कुछ कर लिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा फ्रंट का जो हमने निशान लगा रखा था, अब मैं इसके डार्ट को क्रिएट करूंगी। तो आइए मैं इसे स्टिच कर लेती। ब्लाउज़ के बैक पार्ट पे भी मैंने एक डार्ट क्रिएट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका फ्रंट पार्ट जो था ब्लाउज़ का वो बनाऊंगी। तो इसके लिए बटन पट्टी, सॉरी, आई हुक पट्टी बनाई नहीं है मुझे, तो ये मैंने बना रखी है। इसे मैं स्टिच कर दूंगी डबल फोल्ड करके। सिंगल स्टिच करने के बाद, हाफ इंच का स्टिच करने के बाद इस पे मैं टॉप सीम लगाऊंगी टर्न करके। इसे मैं अंदर साइड को टर्न करके एक अच्छी सिलाई लगा दी है मैंने, मशीन से ही लगाया मैंने। इसके बाद इस पे मैं हुक लगाऊंगी। सेम ऐसे ही मैं आई वाली पट्टी को भी तैयार कर लेती हूँ। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि कैसे मैं बनाती हूँ ये, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये मैंने इसको मैंने रॉन्ग साइड से टर्न करके स्टिच किया हुआ है।
अब देखिए इसको आप भी सेम ऐसे ही करें, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। आई हुक पट्टी बनाने के बाद अब हम इसके शोल्डर की फिटिंग करेंगे। तो दोनों शोल्डर को मैं स्टिच कर लेती हूँ, डबल सिलाई मैंने की है इस पर ताकि ये फिक्स रहे और ना खुले जल्दी। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद मैंने स्लीव बना रखी है, आप देख सकते हैं, इसे भी मैंने सेम ऐसे ही किया हुआ है। इसको मैं सीधा कर लूँगी स्टिच करने के बाद। ये मैं लेस जो दे रखी है इसमें जो बॉर्डर था इसे मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, तो ये मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसकी स्लीव बना के तैयार कर लेती हूँ। स्लीव को मैंने सीधा कर लिया है, अब मैं इस पर बॉर्डर लगा के दिखाती हूँ आपको। ये आप अगर चाहें तो 1 फुट से भी लगा सकते हैं, ये ऐसे भी नॉर्मल फुट से भी लग जाएगी, तो इसे मैं लगा लेती हूँ। आप देख सकते हैं इसे स्लीव मैंने अटैच कर दिया है बॉर्डर को, देखने आप बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। इसके बाद मैं अपनी ब्लाउज़ में से अटैच करूँगी, तो ब्लाउज़ को आप इस तरह से रखें और फिर मैं इसे लगाऊँगी। इसमें पूरे ओपन ही है मेरा फैब्रिक, साथ में लगा रही हूँ इसे। स्लीव को ब्लाउज़ के ऊपर कुछ इस तरह से रखना है, फिर इसे स्टिच कर देंगे। तो आइए हम इसे स्टिच कर लेते हैं पहले। स्लीव ज्वाइन करने के बाद हम इसको इसके साइड की भी फिटिंग कर लेंगे। तो मैंने स्टिच कर लिया है, आप देख सकते हैं ये पूरी ब्लाउज़ मैंने बनके तैयार हो गई है मेरी। इस स्लीव को मैंने साइड से स्टिच कर लिया है, अब मैं इसको बीच में से आई हुक वाले जगह पे पिन लगा के सिक्योर कर लेती हूँ। बाद में मैं इस पर आई हुक बनाऊँगी, तो मैं आपको इसे ब्लाउज़ को दिखाती हूँ सीधा करके। ये आप देख सकते हैं ये ब्लाउज़ बनके पूरी तरह से तैयार हो गई है। ये मेरा बैक का पार्ट है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। ये बॉर्डर देखिए आप ब्लाउज़ का कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं आपको इसके फ्रंट का व्यू दिखाती हूँ। फ्रंट साइड से भी ब्लाउज़ बहुत ही अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। बहुत इजी होती है एम्ब्रॉयडरी ब्लाउज़ बनाना, तो आप भी ज़रूर बनाएं इसे। होप यू ऑल लाइक इट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।